1992 में एल्यूमिनियम से बना एक पंप एसिड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी काफी बढ़ जाती है और 3 पेशेंट की डेथ हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसा हैं आप लोग? साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डायलिसिस पेशेंट को इससे क्या प्रॉब्लम होती है, उनसे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इन सबके बारे में बात करते हैं। देखिये, एल्यूमिनियम एक अर्थ मेटल होता है और हमारे ये वाटर में पाया जा सकता है। कई बार वाटर सप्लाई में एल्यूमिनियम को ऐड किया जाता है। ये ऐड किया जाता है एलम के फॉर्म में। इसको ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि वाटर सप्लाई में अगर एल्गी है, कोई सेडिमेंट्स है या सिल्ट्स है, तो उन सबको वाटर से क्लियर किया जा सके, इसके लिए एल्यूमिनियम को ऐड किया जाता है वाटर सप्लाई में। अब देखिए, जो हेल्दी पर्सन होता है, अगर उसको डाइट से कोई एल्यूमिनियम मिल रहा है तो वो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और जो एक्सेसिव पार्ट है वो किडनी से फिल्टर आउट हो जाता है। लेकिन जब किसी किडनी फेल हो जाती है तो फिर किडनी इस एल्यूमिनियम को वॉश आउट नहीं कर पाते, फिल्टर आउट नहीं कर पाती। इसकी वजह से उसकी बॉडी में ये एल्यूमिनियम इकट्ठा होता रहता है, स्पेशली बोन में और ब्रेन में। तो जब बोन और ब्रेन में इकट्ठा होता है तो स्पेशली यहीं के डिसीज को कॉज करता है। देखिए, जब डायलिसिस पेशेंट में एल्यूमिनियम का लेवल हाई हो जाता है तो फिर इसकी वजह से एनीमिया भी होता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम को यह डैमेज करता है, फेटल इंसेफेलोपैथी करा सकता है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस डिमेंशिया। जब डायलिसिस डिमेंशिया होता है तो क्या क्या आपको सिम्टम्स मिलेगा? उसमें आपको मिलेगा कि पेशेंट को कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, उसकी स्पीच सही देखने को नहीं मिलेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी आपको, पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलेगा और आपको डेथ भी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर एल्यूमिनियम का लॉन्ग टर्म में अगर एक्सपोजर हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में जो डिसीज कॉज होता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम रिलेटेड बोन डिसीज, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ARBD। तो जब किसी पेशेंट को ARBD होता है तो उसमें आपको मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, बोन पेन देखने को मिलेगा और फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अब देखिए, डायलिसिस पेशेंट में सबसे ज्यादा अगर एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी अगर हो सकती है तो वो होती है RO वाटर से। इसलिए RO वाटर को आपको जरूर चेक करना चाहिए कि उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है। अब जो आर्मी गाइडलाइन है वो ये कहता है कि 0.1 mg/L से ज्यादा नहीं होना चाहिए एल्यूमिनियम की मात्रा। 1992 में एल्यूमिनियम से बना एक पंप एसिड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी काफी बढ़ जाती है और 3 पेशेंट की डेथ